अच्छा जी, नेक्स्ट जो है गर्मी से ही मुझे याद आया कि यहाँ पे अभी पिछले दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ आ रही है, पहले भी हमने कहा था कि वो जून में आ रही है, आई थिंक ही लैंड आ रहे हो यानी गर्मी है, वो मैचेस पिंडी में होने थे लेकिन वो पिंडी से मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पोलिटिकल एक्टिविटी, वो होके मुल्तान चले गए हैं और मुल्तान मतलब पहले तो आप यही कहते हो कि वो कुछ जगह तो नहीं है कराने वाली, इतनी गर्मी होते, लेकिन वो शाम 5 बजे मैचेस शुरू होंगे और मेरे ख्याल से फिर रात को कोई 2-3 बजे अगर हम खेल गए तो। हाँ नहीं, उसमें पहली चीज़ तो ये है कि उस डेट की फोरकास्ट निकाल के देखी है मुल्तान की, शाम 5 बजे की 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दोनों बोर्ड ने फैसला किया है ना कि जी वो क्योंकि मैचेस रह गए थे कोविड की वजह से कुछ पिछले साल, तो वो अब कंप्लीट कर लें। अच्छा, वो दोनों बोर्ड्स को ही सोचना चाहिए था, वो रेवेन्यू के चक्कर में वो कर रहे हैं। मतलब मैं तो ये भी सोच रहा था कि यार अगर करना ही है, ये जो 5 बजे वाली आपने निकाली है, ये शुरू ही रात 9 बजे करो टाइप सीन, फिर उस पे वो बंद करो मैच। उस पे वो आ गया कि जी वो व्यूअरशिप का क्या बनेगा, मतलब व्यूअर तो यहाँ का है जो सो जाएगा। मैंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया देख लेंगे टाइप सीन। खैर देखना ना वो न्यूजीलैंड के टाइम पे भी इत्थे देख देने, हम उन्हीं में से जो शौकीन है ना उन्होंने देखना ही देखना है। अच्छा, दूसरा उसमें वो हो गया कि जी वो फिर कुछ ने कहा कि जी इनको तो एहतजाजन जो है प्लेयर्स को मना कर देना चाहिए। वो मैं कहा जी एक तो ये तरीका है कि प्लेयर्स मना करने के, प्लेयर्स को भी मना करने के बजाय वो एहतजाज इस किस्म का भी हो सकता है कि छोटे रन अप से गेंद करें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि पता है हम इतना ये क्यों कर रहे हैं, वो नाजमाबाद में एक लड़का आखिरी ओवर करवा के फौत हो गया, उमर नाम का लड़का है, बेचारे के 2 बच्चे हैं, बीवी है, और वो ये कल ही वाकया पेश आया और कल या परसों, और वो टूर्नामेंट हो रहा था जिसका वो आखिरी ओवर उसने करवाया और मैच जितवाया और उसके बाद वो वहीं पे कलैप्स हो गया। और उसके अलावा पिछले हफ्ते लियारी में मेरे ख्याल में एक फुटबॉलर फौत हो गया। तो मतलब आप पे सोच लो फिर है, कोई मौसम तो नहीं है मैच कराने वाला। वैसे तो जिस हिसाब से गर्मी चल रही है ना अली, सितंबर में भी नहीं होना मौसम खेलने वाला, और तब आना भी गुरों ने है। इंग्लैंड की टीम ने जो है वो कहा है कि जी वर्ल्ड कप वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन उससे पहले वो लोग आएंगे यहाँ पर 7 T20s खेलने के लिए, लेकिन उसके अंदर वो अपनी मेन टीम नहीं लेकर आ रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हमारा वो वर्ल्ड कप का सीन है तो वी कांट रिस्क इट। वर्ल्ड कप के बाद फिर वो दोबारा आएंगे और टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे और वो सारा कुछ, ये जो सारा पीछे का जो बैकलॉग चल रहा है ना, कुछ हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो कैंसिलेशन हुई थी एंड एवरीथिंग, वो सारी सीरीज़ अब इतनी हैपहैज़र्ड चल रही हैं। खैर इट्स अ गुड थिंग कि वो आ जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो उनकी वजह उनके टाइम पर भी ना अली, मुझे नहीं लगता कि ये मैचेस कोई दिन के वक्त किसी टाइम हो सकते हैं। वो सितंबर में ये होता है ना कि बेसिकली हवा बिल्कुल नहीं होती अब जिस तरह इस वक्त है। लेकिन जी सर, लेकिन भी चलता पिया है। लेकिन वो जो है ना यार, धूप जैसी जो है ना कोई चीज नहीं है, मतलब वो जो है ना कि आपका एसी ही काम करना छोड़ जाए, वो एक नेक्स्ट लेवल सीन है। अच्छा, इसी से मैं आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर लीग जो है उन्होंने विराट कोहली को इनवाइट किया है कि आप आके खेलें। आएंगे तो नहीं ऑफ कोर्स, मतलब कश्मीर लीग पे तो वैसी बड़ी आग लगी हुई थी, वो हर्षल गिब्स के भी पीछे पड़ गए थे, हम तुम्हें इंडिया नहीं आने देंगे अगर तुमने खेली तो। बट क्या नाम लेते हैं कि हम लोगों ने ऑफर जरूर मारी है, आई थिंक इसने क्या कितने करते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हमेशा कश्मीर लीग पे इनको चाहिए बुलाएं, हमेशा PSL में इनको चाहिए बुलाएं। हाँ, वो ना आए हर दफा ये बताएंगे जी हम तो बुलाते हैं, हमारे तो बाहें खुली हैं। हाँ, हम वो नहीं आते, वो नहीं आते, मसले उनके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा सबसे अच्छी खबर जो है वो ये है कि फिर से व्हाट्सएप पे ना फीचर्स बहुत ज़्यादा बड़ी स्पीड से आ रहे हैं आजकल, और ये फीचर जो नया मुझे बहुत पसंद आया वो ये है कि नाउ यू कैन लीव द व्हाट्सएप ग्रुप साइलेंटली, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, वैसे तो मैं वैसे नहीं ठहरती थी, बगैरतों की तरह मैं छोड़ जाती थी, अगला बंदा जो मर्जी फील करे, बट कितना खूबसूरत फीचर है ये, इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। उसकी वजह ये है कि मेरा जब अब लोग छोड़ जाएंगे नहीं पता लगेगा। हाँ। अमूमन जब कोई ग्रुप से छोड़ जाता है ना किसी भी चीज़ से तंग होकर, और मैं एडमिन हूँ ना हूँ, मैं उसके बाद एडमिन को कहता हूँ मैनू भी बना एडमिन, क्योंकि ना मैं उसको फिर बार बार ऐड करता हूँ। स्विच कर देता हूँ। आपने अब करना ये कि ग्रुप छोड़ के ना इसे सबसे पहले ब्लॉक करना था कि ये दोबारा आपको ना हाथ ना लगा सके। ठीक है, अच्छा ऊपर ना सारी लड़ाई लड़ुई मैंने देखी होती है। हाँ। मैं ऐड करके क्या हुआ है बता तो सही, बात कर लेते हैं, जोड़ के जाने की क्या जरूरत।
अच्छा मैं आपको ये भी बताती चलो कि चौधरी शुजात जो है वो ट्विटर पर आ गए हैं, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो उनको फॉलो करें, ठीक है, देखते हैं वो क्या गुफ्तगू फरमाते हैं। मैं तो उनकी पॉलिटिकल उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, बहुत ही ज्यादा। क्या बात है, मतलब वो जो मिट्टी पाव उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो जबरदस्त है, रोटी शोटी एंड ऑल दैट। हाँ, लेकिन वो मैं बड़ी उनकी वीडियो, उन्होंने बेसिकली वीडियो में बताया कि ये मेरा ट्विटर हैंडल है और इसको आप फॉलो कर लें, तो मैं बड़ा मुतासर हुआ उनकी वीडियो से। उसकी वजह वैसे तो खैर जाहिर है वही वाली बात, बड़े बीमार हैं, लग भी रहे हैं बीमार, लेकिन बहरहाल उनका जो स्पीच थेरेपी वाला बंदा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर ऑडिबल समझ आने वाला वो, बल्कि पता क्या है कौन है स्पीच थेरेपी वाला, अगर किसी को मालूम है और अगर आप खुद ही शो देख रहे हैं, मैं ये हिस्सा काट के उनको टैग करके कह दूंगा, कोई तो जवाब देगा। हाँ नहीं, वो जो भी है जबरदस्त, एक तो स्पीच थेरेपी वर्क्स, दूसरा व्होएवर दिस गाय इज नोज हिज जॉब, ठीक है जी। और ये नान जो है वो 18 से 20 रुपए की उस रेंज में गए हुए हैं, आप लोग हमें बताएं कि आपके एरिया में जो है क्या प्राइसेस इस टाइम पर चल रही है। मुझे तो अरसा ही हो गया खरीदे हुए, ये सादा नान है। हाँ ये सादा नान है, और तुम्हें पता है ना कि नान की दुकान को क्या कहते हैं, नान बाई। नहीं मुझे नहीं पता, थैंक यू। हम तो बस वो इसी को कहते हैं तंदूर है, तंदूर तक गए, तंदूर से सारी चीज़ें लेकर आए। हाय अली, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा, और मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जमहूरियत की के लिए यही कुर्बानियाँ हैं तुम्हारी जो तुम्हारे बाद रह जाएंगी। जब मैं ना ये जल्दी बात आ जाए, सीरियसली मैं इतनी गर्मी में सरवाइव नहीं कर सकती। अच्छा जी गाइस, तुम्हें पता है खुर्रम दस्तगीर ने कह दिया कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग है ही नहीं, ये इसी तरह जैसे इमरान खान इन्फ्लेशन है ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਉਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੋ ਸੰਭਾਲਨੇ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਬਰ ਪੜੀ ਥੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਪ ਕੁਝ ਉਹ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਸਰਚ ਕੀਆ ਤੋ ਉਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈ ਗੂਗਲ ਪੇ ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਕੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਥੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੋ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ जो है वो लॉसेस की वजह से है, फिर एक आ गया कि जी वो लोड शेडिंग सिर्फ वहाँ है जहाँ पे लोग बिल नहीं दे रहे। अच्छा। मतलब वो 5-7 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ गए, तो अब मुझे ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा है कि नहीं कहा, अगर कहा है तो बड़ी अफसोस की बात है। उसकी वजह ये है कि फिर भी मसला है कि अभी वो मरियम साहिबा का जिस तरह बयान आया है कि जी वो मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, और वजीर दाई साहब कभी आए हैं कि जी वो मैं लोगों के घरों का चूल्हा जलाना है, चूल्हे बांधे हुए हैं टाइप सीन व्हाटएवर, वो फिर भी बात है। ये आपको मतलब ये ईमानदार लोग हैं या ये करप्ट लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, व्हाटएवर जो वो है ना, कि ये थोड़ा सा आसरा है कि वो कह रहे हैं कि हाँ जी बड़ा टेंशन है। वो जो है ना कि मुबारक हो, सब कुछ ठीक है, मुबारक हो, आज जश्न मनाएंगे हम पीटिया के पूरे 3.5 सालों के अंदर ना इतना जश्न मनाया उन्होंने कुछ ना करके। तो वो जो अगर फिर भी बात खुर्रम दस्तगीर साहब ने पता नहीं ये बात की है कि नहीं की, लेकिन अगर की है तो उनको मेरा ये मशवरा है कि हमाद अज़र नहीं बनना प्लीज, बिकॉज़ वी विल डू अ फीचर ऑफ दैट सॉर्ट जो आपने हमाद अज़र पे किया था पहले, आपके ऊपर भी कर लेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। एंड मुझे ना जब ये गवर्नमेंट आई थी ना, तो मुझे शेरी रहमान की ये बात बहुत अच्छी लगी थी, और वो मेरे ख्याल से उन्होंने BBC पे ही ये बात की थी कि वी आर नॉट हियर टू पेंट अ रोजी पिक्चर, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू मिंस वर्ड्स, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है और हम इसको एडमिट कर रहे हैं, और जब भी हम बात करेंगे हम ऐसे ही बात करेंगे कि हालात ख़राब ही हैं, ठीक है, हम गलत परसेप्शन भी नहीं देना चाह रहे, मतलब मिसलीड क्यों करें लोगों को, फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। असल चीज़ तो ये है कि वो मतलब वही वाली बात कि इस वक्त जो सबको मतलब उनको भी बहुत जल्दी हुई ये कोलिशन गवर्नमेंट लाने की, तो वो क्योंकि अब वाकई इतने इतने मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। और अच्छा फिर वही बात, इसका जो है वो वजह सिर्फ PTI नहीं है, बल्कि PTI का बहुत ही थोड़ा रोल होगा। असल मसला तो ये कि इतने अरसे से हम जिस तरह चलाने की कोशिश कर रहे थे उस तरह चलना ही नहीं था, तो अब वो फाइनली वो टाइम आ गया कि नहीं चल रहा तो बात ये कि इसको था कि जी अब सारे ही ऑन बोर्ड हो जाएं और सारे ही मिलकर फैसले करें, क्योंकि वो एक पार्टी करती है तो फिर दूसरी कहती है कि देखो यार करते 10 रुपये कीमत बताती 5 रुपये, तो वो खैर वो अब मतलब इस वक्त तो खैर सबकी ख्वाहिश पता क्या होगी कि इमरान खान साहब भी कौमी धारे में आ जाए, सारे सारों को गालियां कटो, सिर्फ एक बंदे का हक नहीं है, सारों को गालियां पड़े, ठीक है ना, लेकिन इमरान खान नहीं आता। हाँ वो नहीं आएंगे, और वैसे भी असल बस्ता पता क्या है, फिर जब वो मुश्किल फैसले करने हैं ना तो फिर उनका भी कोई बहुत फायदा तो होगा, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर एंड में ना एक बहुत मुश्किल फैसला करने हो
ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। खैर ये मुश्किल फैसले और टेंशनों से मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग बहुत सारे इस तरह अकाउंट्स जो इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे आपको खबरें ये मिल रही होंगी कि जी मैंगो प्रोडक्शन 60% जो है वो डिक्रीज हो गई है, ऐसा नहीं हुआ, वो फेक न्यूज़ है। दावर जो है उन्होंने, मोहसिन दावर नहीं, दावर जो लाहौर वाला है, उन्होंने ये बताया है कि जो मैंगो प्रोडक्शन है इस दफ़ा एक्चुअली हैज़ बीन मोर देन द लास्ट ईयर। इस दफ़ा 1.45 मिलियन टन्स है, लास्ट टाइम 1.32 मिलियन टन्स थी। और इस दफ़ा ओवरऑल इंक्रीज जो साउदर्न पंजाब है ना, उसमें 10% इजाफा हुआ है मैंगो प्रोडक्शन में और उस साउदर्न का, और ओवरऑल अगर आप देखें तो 9.8% जो है वो इंक्रीज आया है। हाँ, शायद स्वीटनेस पे इफेक्ट आया हो, और साइज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साइज़ शायद छोटे हो गए हों बिकॉज गर्मी है, लेकिन तानू अम्ब लबन के टोंट वाली बात आए। हाँ, वो ये तो चलो ठीक है। इस पे मुझे जो है ना, वो थोड़े दिन पहले एक और बड़ा सरप्राइज मिला, मतलब सरप्राइज भी नहीं, शॉक के, हाँ, मैं भी कहूँ सरप्राइज तो नहीं मिलते अब हमें। हाँ, वो मैंने कहीं जो है वो ट्विटर पे कोई ट्वीट कर दी तरबूजों के खिलाफ, तो लोग बड़े जज्बाती हो गए। हाँ, ये तुमने कब की है? वो मैंने करके फिर अपने अल्फाज वापस ले लिए थे। अच्छा, डिलीट किए? वो मसला ये है कि यार पता है नसीब का रौला होगा, साडा तो कदी नहीं मीठा निकलिया, तो कटवा के लेके आया करो ना तुसी, ए ताड़ी गलती है, तरबूज दा इदे च कोई कसूर नहीं है। अच्छा, तो अच्छा ये अब ये भी मेरे लिए वही है कि मतलब वो आम पे मैंने जज्बाती रोग देखे थे, तरबूज पे भी बड़ा बड़ा जज्बाती। तरबूज दा बड़ा, मैंने उसके लिए बड़ी कैंपेन की है पिछले साल, इस साल तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा लिखने का, लोग मुझे कह रहे कि तुसी तरबूज दी हुण गल नहीं करदे पए, इससे बेहतरीन फ्रूट नहीं है अली, और जितनी गर्मी पड़ रही है अगर आप गलती से पानी नहीं पी रहे हैं तो आप तरबूज खा ले, आपकी हाइड्रेशन लेवल बड़ा जबरदस्त रहेगा। तो बस तफार, मैं तो शुक्र करो तुमने डिलीट कर दिया, मैं तो ऐसे शो ही नहीं करना था फिर। सॉरी, एक वो बिल्ली वाली बात और अब एक तरबूज वाली बात। सॉरी, हाँ ऐसी ऐसी बात नहीं करते सर, ऐसी बात। अच्छा, जिससे मुझे याद आया कि आपको पता है कि तरबूज का वो जो इधर ग्रीन होता है, इधर अंदर रेड होता है और बीच में एक व्हाइट वाला एरिया होता है, जी जी, उसका सालन भी पकता है। यार जिससे मुझे याद आया, वो मैंने खबर मैंने पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें ये देखा है पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद की, उन्होंने ना भिंडी का जो मवाद जो आप खाते नहीं है या ज़ाया होता है ना, उससे कपड़ा बना लिया है। चेक करो यार सीन, वाह है, चलो देखने की बंद है। अच्छा, अब तुमने भिंडी गोश्त और कच्ची लस्सी याद करा दी। हाय क्या कॉम्बिनेशन है यार, उफ तो वाह, पकवानी पड़ेगी हमें मैंने कहा जाके। अच्छी जी, फवाद चौधरी ने कहा, एक फवाद चौधरी के पास मेरे ख्याल से गवर्नमेंट व्हीकल्स इस वक्त पड़े हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ ही बेशक कबर में भी लेके जाऊँ, उन्होंने नहीं ये कहा, लेकिन उनका मतलब यही था कि मैं अपने पास ही रखूँगा लेकिन मैं चोरों को नहीं देने वाला, चोर एज इन आपको पता ही है कि किनको वो चोर कह रहे हैं, वो इमरान खान थे तो वो गए थे मेरे तोहफे मेरी मर्जी मैं जो मर्जी करूँ, फवाद चौधरी कह रहा वो चोर है मैंने उनको नहीं देना। वैसे ना ये कोई अच्छी एग्जाम्पल्स नहीं सेट कर रहे नेक्स्ट गवर्नमेंट की, नेक्स्ट गवर्नमेंट जब ये करेगी तो फिर ये कुछ कह नहीं सकते उनको। वो सिर्फ फवाद चौधरी के पास नहीं है, वो पूरी पिछली कैबिनेट के पास है। क्या बात है, मतलब बस ये देखिए, वैसे बात बड़ी सही है कि जी कहीं कोई गलत आदमी ना इस्तेमाल कर ले, इससे बेहतर नहीं है हमारे पास। हाँ, क्योंकि जाहिर है मेरे से ज्यादा डिजर्विंग कौन हो सकता है। बिल्कुल 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 सही है, ये हमाद अजहर वाला एलिमेंट ना पूरी पार्टी के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा है। तो खैर वो इस वक्त गाड़ियां उनके पास है, ठीक है जी, ओ आने ने तो ना दी मज्जा बेच डाल देने, ठीक है ना, ये कहे तो ये अपने साथ बाकी सारी चीजें लेके बंदा बेच भी ना सके किसी चीज को। बाय द वे ये भी खबर आई हुई थी कि इंपोर्टेड चीजों के ऊपर जो है ना जो गवर्नमेंट की इस्तेमाल की है उसके ऊपर भी शायद पाबंदी लगने लगी है कि बहुत इखराज आ रहे हैं, वी कांट अफोर्ड दैट, आम इन्हें आगे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं मुझे उस बंदे से इस कदर वो हो चुका है ना कि मतलब आई डोंट इवन मेक फन ऑफ दिस सिचुएशन एनीमोर, पकड़ा हां 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 बोलते रहो बोलते, हां तो मतलब आई कैन नॉट मेक फन ऑफ हिम, आई कैन नॉट बी यू नो जिसे कहते हैं ना कि वो जो एक सार्केज्म भी होता है या मजाक उड़ाने वाली सिचुएशन है, मैं उससे भी बड़ी तंग आ गई हूं। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? ये तो कहना चाहेगा, देखिए मसला पता है क्या है, मसला ये है कि अगर तो वो जो उनकी वीडियो आई है जिसमें वो रो रहे हैं, हां अच्छा अगर तो वो बेसिकली एक्टिंग कर रहे हैं, वो दो नंबरी कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर तो सलाम है, ठीक है। हाँ, अगर वो बेचारे वाकई हर्ट हो गए हैं ना, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तुम भी हार गए, हम तो समझते थे तुम्हारा कोई पॉइंट आना ही नहीं जिसमें तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आए या कुछ महसूस हो।
ये जो है ना कि अब तो मैं चैनल्स पे फोन करता हूँ, मुझे बुलाते हुए कोई नहीं, यार इधर से ही तो वापसी लेनी है ये रॉक बॉटम से। हाँ ठीक है, आपने वापस आना है तो आई डोंट थिंक सो ही इज गोना लीव। ब्रेड एंड बटर इज हियर, देखना नेक्स्ट रमजान ट्रांसमिशन में ये फिर आया होगा और आप लोगों को प्रचार नहीं हो रहा, वो फिर वापस आए होंगे। अच्छा गाइस, आसिफ अली जो हमारे क्रिकेटर हैं उनको ना काले शीशों के ऊपर जो है वो जुर्माना हुआ है। जुर्माने से मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होने लगे, तजवीज़ दे दी गई है कि रॉन्ग पार्किंग, जो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक ट्रॉमा है, ठीक है, कि गड्डी ला के बंदा गायब, उन्होंने लगता कि मतलब मैं तो कार जाना ही नहीं है ना, मैं तो हमेशा यहीं रहने वाली हूँ। तो वहाँ पर जो बाइक जो है अभी उनको 200 रुपया रॉन्ग पार्किंग पर मिलता था, जुर्माना होता था, वो 2000 पे तजवीज़ किया गया है। और गाड़ी के लिए जो है ना, यह बड़ी हिम्मत है तुम इतनी गर्मी में चाय पी रहे हो अल्लाह दिक्कत में, और गाड़ी जो है ना उसको 500 से 5000 का जुर्माना कर दिया गया है, जिसके मैं बहुत 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 ज़्यादा हक में हूँ। इसके अलावा नंबर प्लेट और ये काले शीशे जो हैं, इन सब पे जुर्माने चल रहे हैं। हाँ, एक तो ये कि जुर्मानों की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ है, जो कि बिल्कुल ठीक है। हाँ। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान में जुर्माने सबसे कम हैं। एब्सोल्युटली। हाँ, तो हाँ, क्यों बढ़ाएं? हाँ, दूसरा ये है कि वो जो है ना, यहाँ पे पॉइंट सिस्टम अभी तक लागू नहीं हुआ। मतलब आप बेशक एक साल में 375 जुर्माने करवा लो, पैसे दे दो और आप फ्रेश हो बुलबुल के बच्चे की तरह। तो बाकी दुनिया में 12 पॉइंट, 16 पॉइंट, 20 पॉइंट, एक टाइम आता है आपका लाइसेंस कैंसिल होता है। तो वही वाली बात है कि चलो हम तो जुर्माने की डर से नहीं करेंगे, लेकिन जिसके पास पैसे हैं, मतलब मेरे पास अगर पैसे हों तो मैं तो 2 घंटे मेरे लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचा करूँ, कराई जाओ जुर्माने रास्ते में। तो वो ये पॉइंट सिस्टम लाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये कि वो जिस तरह आसिफ अली का आपने बताया जी, ये इन्होंने पुलिस वालों ने एक बड़ी ज्यादती भी की। क्या? दूल्हा जा रहा था, उसकी नंबर प्लेट सही नहीं थी, इन्होंने उसको जुर्माना ठोक दिया। गलत बात। प्लीज मसा मर के उधर दिन आया तो तुसी उधर पीछे पे आ गए, और हर किसी की अब शादी नहीं भी होती, प्लीज इस बात को समझे। हाँ नहीं, और वैसे भी मतलब ये सिर्फ उसको लग रहा है कि ये उसका दिन है आप ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। देखिए जी, मैं तो शादी को बहुत दूर से देखती हूँ ना, तो मेरा कोई खास इस पे ओपिनियन भी नहीं होता। मुझे यही लगता है कि जो कर रहा है वो बहुत खुशी से कर रहा है और उसको लगता है दैट्स हिज डे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना वो, हाँ ये हमने नाम नहीं, करते तो सारे खुशी से ही है। अच्छा, और पता नहीं होता लेकिन ये बात करनी जरूरी है। एक तो उन्होंने ये बताया था कि मैं उस जहर का नाम आप लोगों को बताऊंगा जिसे हार्ट अटैक हो जाता है खानों में देखे, उनको उनको फील हो रहा है, ही फेल्ट थ्रेटन्ड कि उनकी जान को खतरा है, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी को भी बीफ अप कर दिया गया है। अच्छा, इमरान खान ने यह भी कहा है कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली हुई है, सो इफ समथिंग हैपेंस टू हिम दैट व्हिच इज गोना बी रिलीज्ड, क्या मबाद हो सकता है उसके? नहीं, उसमें नाम नहीं है, वो नाम नहीं होंगे ना कि नॉमिनेट किया होगा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके पीछे ये लोग हो सकते हैं। वो मतलब अल्लाह ना करे उनको कुछ हो, अल्लाह सबकी उम्रें जो है वो तवील करे और सेहतमंद जिंदगी गुजारे। लेकिन वैसे जो है ना, मुझे ये लगता है कि ये इस प्रैक्टिस का कोई खास फायदा नहीं है, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो भी। बस बीबी ने भी तो लोग नॉमिनेट किए हुए थे ना, वो तो ओपन लेटर था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इन लोगों तो क्या हुआ, केस कहां गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो मुझे नहीं ख्याल कि इसके कोई ज्यादा यूज है। बहरहाल वही वाली बात है, अल्लाह सबको, अल्लाह मियां उनकी हिफाजत करे, और सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनकी देनी चाहिए, ठीक है। वो नेशनल लीडर हैं और उनका आना जाना भी आजकल काफी लगा हुआ है, सो प्लीज। अच्छा, ये जिना हॉस्पिटल की खबर है लाहौर की, वहां पर ना यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को पता नहीं कौन सा गुस्सा चढ़ा हुआ है, उन्होंने ना जो पुरानी हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी यास्मीन राशिद साहिबा, उनके खिलाफ बैनर्स लगाए हुए थे वहां पर। वो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रिंसिपल ने आके ना वो बैनर्स उतरवा दिए, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सारे डॉक्टर्स प्रिंसिपल के पीछे पड़ गए कि आप ये बैनर्स क्यों उतारे हैं, तो प्रिंसिपल आ जाए और बैनर्स वापस लगा दिए। इतनी खुश स्लूबी से ना वैसे सारे मसले हल होने चाहिए अली, इस तरह ना की पी ना पा। हाँ, इस तरह की वाकयात पे वो बना हुआ है ना मिसाल कि जे माड़ी सी तो लड़ी क्यों सी। उन्होंने एक तो थोड़ा सा इत्तेजाज किया, उन्होंने कहा ठीक है बैनर लगा देते, कोई बात नहीं, बैनर ही है ना, ऐसी क्या बात है। प्रिंसिपल जो है एक इदारे का, इतने पढ़ा लिखा शख्स है, उसको जो है ना वे करना आता है चीजों को। हाँ। तो उसने कहा कि एक तरफ लोग हाँ। यास्मीन राशिद नू गाना पे कर देने, हाँ। दूजी तरफ मैनू पे कर देने, एंज करो उन्हां नू पवा दियो। बाय मी, वो ठीक है ना।
तो वो तो उड़ता तीर वाला सीन है ना कि आप क्यों कर रहे हैं, रहने दे जिन्हों का गाला पैंदिया पई है ना, वो बेचारी अब रही भी नहीं है, चली गई है छोड़ के, तुसे ताड़ा पता नहीं कौन केड़ा गुस्सा चलता पे, वही बात है कैबिनेट ही है, किसी को समझ ही नहीं आ रही गाली किसको देनी है, जड़ा जिन्हों लगता पे बैनर ला दे पे ने। अच्छा जी, ARY जो है फिर एक गलत खबर उन्होंने दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 7.5 करोड़ रुपया लगा है ये बाजू के दोनों के ऊपर, ठीक है ना, और नहीं, स्विमिंग पूल के ऊपर, सॉरी मैं थोड़ा मिक्स कर गई, स्विमिंग पूल के ऊपर जो है वो उसने लगाया है। बाय द वे ही हैज बीन स्विमिंग सिंस लाइक फॉर एवर, और तब उनको, तब भी उन्होंने जब वो हुकूमत में तब भी थे तब भी उन्होंने नहीं बनवाया था और अभी भी नहीं है, और ये न्यूज़ जो है उसको फेक न्यूज़ जो है वो उन्होंने फैक्ट चेक किया और बताया है कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये शहबाज शरीफ कब केस करेंगे यार ताकि उनके डेफिमेशन के जो है पैसे दिए जाएं? नहीं नहीं, वो शहबाज शरीफ नहीं करेंगे, नहीं करेगा ना, ही इज टू बिजी। नहीं, बिजी बिजी का मसला नहीं है, वो मसला ये है कि अगर किसी आम आदमी पे केस खबर चली हो ना तो वो इंग्लैंड में जाके केस कर देगा, तो वहां से मिल जाएंगे। अब मसला ही ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंग्लैंड जाके केस करता है तो इसका मतलब है ही डजंट ट्रस्ट द जुडिशरी इन पाकिस्तान, तो वो नहीं कर सकता। इसी से मैं आपको बता दूं, इमरान रियाज खान को ना अफेयर कर दिया गया यार, शुगर मेला क्यों खत्म कर देते हैं, यही तो लोग हैं जिनसे मवाद मिलता है वो। अच्छा अब मसला पता क्या है, वो तो ये कह रहे हैं कि उनको जाहिर है वो मुक्तदर कुवतों ने हटा दिया है वो। हाँ अच्छा, अब वो ठीक कह रहे होंगे, मतलब हमें क्या पता, लेकिन उनके नहीं नहीं, लेकिन वही वाला मसला है कि जो दूसरी तरफ से जो चैनल की तरफ से मतलब हमें वो पता लगा है ना, वो भी एक तरह से वैलिड है, मतलब फिर भी बात है वजह वही होगी जो वो कह रहे हैं, लेकिन जो तावील इन्होंने पेश की है ना वो ये है कि जी वो हम 30 लाख रुपये तनख्वाह दें और बंदा जो है वो YouTube पे जाके सारे तबसरे और तजिये कर दे। किसे ओढ़ना नहीं था ये। और वो YouTube पे भी टका के व्यूज है, मतलब दोनों हाथों से कमा रहे हैं वो। चलो वैसे उनको कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता पैसों का, तो हाँ उनको कहाँ इसे पढ़ना है। अच्छा, सेफ सिटी की ना रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक उनको अप्रैल में जो है 15 पर 33,69,000, सॉरी मुझे ये लफ्ज नहीं कहना आता, कॉल्स आई थी जिसके अंदर से 15 लाख जो कॉल्स थी एवं थी। किसके पास टाइम होता है ये हरकतें करने का कि आप बिला वजह एम ही फजूल में कॉल किए जा रहे हैं। अच्छा जी, और लेकिन साथ ये हुआ कि 7 जो गाड़ियां हैं ना वो उनके मालिकान के हवाले की गई थी, इसका मतलब है कैमरास कहीं कहीं चल ही रहे हैं, नॉट दैट बैड ऑफ अ सिचुएशन। अच्छा मसला बता क्या, वो तो गाड़ियां जो रिकवर हुई हैं, वेल डन क्लैपू, जहाँ तक ये है ना। अच्छा ये हमेशा से आता होता था, हमने भी बड़े भाषण दिए हुए हैं, मैंने और तुमने भी, कि वो 1122 पे जाली कॉलें और फलाने जगह पे जाली कॉलें। अच्छा, और इसमें कोई शक नहीं है जाली कॉलें होती भी होंगी, हम जैसे हैं आपको पता ही है, लेकिन ना ये शायद जो फिगर देते हैं ना कि जी 15,69,000 में से पता नहीं 15,13,000 जाली थी टाइप सीन, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता इसका क्या कहते हैं सेफ सिटी का, लेकिन हो सकता है ये झूठ भी बोल रहे हो सकता है। उसकी वजह ये है कि थाने वाले तो बोलते हैं तो ये भी बोल सकते हैं, मतलब फिर भी बात मुझे पता नहीं है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन थाने वालों का तो मुझे पता है ना। बात वही है कि थाने वो जो हमारी मुझे भूल गई है पंजाबी की एक जो मिसाल नहीं होती कि जड़ा खटकावे वही कुंडा भी खोले, कि आप अगर कोई एप्लीकेशन कोई मसला कोई लेके चले गए हो थानेदारों के पास पुलिस वालों के पास तो वो आपको इतना बाजार करते हैं कि आपके कहते हो बस ठीक है रहने दो, आप कहते हो रहने दो भाई, वो ना कभी भी अक्यूज्ड को ग्रिल नहीं करते, वो आप पछताने लग जाते, आपको अपना आप चोर लगने लग जाता है कि मैं ही गलत। हाँ तो वो इधर जो है ना वो ये, और उसके बाद वो भी इसी तरह फाइल करते हैं कि जी वो जाहिर है अगर आपने कोई एप्लीकेशन जमा कराई है तो वो ये नहीं होता कि आप कहो कि अच्छा हूं एप्लीकेशन में वापस लेने लगा, एप्लीकेशन वापस नहीं होती, वो तो जमा है। हाँ। वो उसके नीचे रिमार्क्स लिख देते हैं कि जी बंदे का क्योंकि केस जाली था तो बंदे ने वापस ले लिया तो हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अच्छा वो आ जाता है कि जी इतने लाख जो है वो जाली, वो थी वो जाली नहीं थी, वो पुलिस वालों ने आवाजार कर दिया जिसकी वजह से बंदों ने कहा कि यार बाहर में जाओ, नहीं करते हाँ ना करो। वैसे पुलिस वाले भाई प्लीज ज्यादा गुस्से में ना आना ये सुनकर, मतलब हम अपना एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, फिर गालियां शुरू हो जाती हैं कि आप इस इदारे के खिलाफ हैं ये वो। अच्छा आखिरी खबर अली, आखिरी खबर आ गई है, वो ये है कि जो है ना वन डिश की जो उसके ऊपर एक्शन लिया था हमजा शहबाज ने कि वन डिश इंश्योर करनी है शादी पर, लेकिन जो हॉल के मालिक ने उन्होंने मोहलत मांगी की करना मोहलत इन्ने साल तो कर दे पैसा ना हूं की होया हूं क्यों नहीं होता पाया। मेरे ख्याल में उन्होंने मतलब अज्यूम ही मैं कर रहा हूँ
कि सिर्फ यही हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा कि जी असी ते 23 सितंबर तक तीन डिशा की बुकिंग फाड़ ली है किस तरह वापस करिए वापस रीइंबर्समेंट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, कभी भी नहीं होना ठीक है। तो खैर उन्होंने अच्छा वो आखिरी खबर नहीं थी, आखिरी खबर मैं अब आपको पढ़ के सुनाने लगी हूँ जो, और ये थोड़ी सी वार्निंग भी है आप सारों के लिए, वो ये है कि एक हफ्ते में 84 हलाकतें हुई हैं ट्रैफिक हादसात में ठीक है, और खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। पंजाब भर में 7,588 हादसात हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो है लाहौर में पेश आए हैं वो 1,813 हैं, और 27 बंदा जो है वो इसमें जान की बाजी भी हार चुका हुआ है, और 60% हादसात का शिकार मोटरसाइकिल सवार हुए हैं। ज़्यादातर हलाकतें हेलमेट ना पहनने से हुई हैं, चिंची रिक्शे भी सबब बन रहे, चिंची रिक्शा ते ना इधर वेखता ना उधर वेखता उस सीधे होंगे, हम आ गए हैं वो पीछे डाला जहाँ मर्जी लग रहा, उनका ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपकी बाइक नहीं किसी को लगेगी, आपने जो पीछे लटकाया हुआ है ना उसने जाके लगना है ठीक है। एंड एज़ फॉर द बाइकर्स, मैं समझती हूँ आप लोग अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आप लोग बाइक चला रहे हैं, लेकिन यार जो ये जिग जैग शुरू होती है ना, फिर बंदा क्या कहे। वो मतलब, एक तो ये कि इतने ज़्यादा हादसा अगर इस महीने में हुए हैं कोई तो वजह होगी, मेरे ख्याल में तो वो हीट स्ट्रोक है, वो वजह मतलब हीट स्ट्रोक कह रहा हूँ, हीट वेव क्योंकि मत मारी जाती है, मारी जाती सारे एसी भी तो नहीं चला सकते हैं ना, महंगा पेट्रोल है। तो एक तो वो बात है, दूसरा जो तुम वो कर रही थी कि आप आगे ना देखो पीछे उसका जो फैलाव है उसकी वजह से लगते हैं, तो तुम्हें पता है वही वाली बात मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं तो लिम्पी स्किन की वजह से अपने आप को शीशे में देखता ही नहीं हूँ। बाय द वे वो उसी ने हमारी करेक्शन की थी कि वो जो उनको जानवरों को हुई है वो लिम्पी स्किन बीमारी है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि मुझे पता है कैसे पता लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं ना लोगों में वजना शुरू हो जाता हूँ। ये दो बंदे खड़े ना, मेरा ख्याल होता है कि मैं इसमें से गुजर जाऊंगा, वो जब मैं दोनों में वजता हूँ ना मुझे पता लगता है कि ये जुस्सा मुबारक फैल चुके हैं। अच्छा मेरी ये मेजरमेंट होती है, मैं गाड़ी पार्क करके ना मैं देखती हूँ अगर दरवाज़ा खोल के मैं करके निकल गई हूँ ना, तो इसका मतलब कि मैं ठीक जा रही हूँ, जो कि मैं आजकल नहीं जा रही हूँ, मैं फंस जाती हूँ हर जगह पर। तो खैर गाइस प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इस तरह से ना ड्राइव करें, थोड़ा ख्याल करें, इधर उधर देख लिया करें, और बिला वजह जिग जैग ना किया करें, खासतौर पर जब आप लड़कियों को इंप्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि नुकसान आपका ही होता है, लड़की तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी गाइस, दिस इज़ इट, सी यू, सैल्यूट।